लाल किले से जब पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया था तभी साफ हो गया था कि इस बार प्लास्टिक पर सरकार कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। बीते 15 अगस्त को पीएम मोदी ने अपने भाषण में प्लास्टिक प्रदूषण का जिक्र किया था, जिसे अब सरकार अमली जामा पहनाने में जुट गई है। दरअसल एक सवाल जो हर किसी के जहन में है, क्या आखिर सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या? तो आज हम आपको वो पहले बता दें। इसका मतलब इसके नाम में ही छिपा है, यानी कि जिस प्लास्टिक को हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं वो है सिंगल यूज प्लास्टिक। इसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बोतलें, स्ट्रॉ, कप, प्लेट्स, फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक, गिफ्ट रैपर और कॉफी के डिस्पोजेबल कप्स और बहुत कुछ शामिल है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में हम और आप ऐसी बहुत से प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल करके फेंक देते हैं जिसका इस्तेमाल हम एक बार ही करते हैं, लेकिन सरकार अब इस पर सख्त रुख अख्तियार कर चुकी है। पीएम मोदी की पहल को देखते हुए भारतीय रेल ने 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, यानी कि अब स्टेशन या ट्रेनों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं सड़क और परिवहन मंत्रालय द्वारा 11 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के राजमार्गों के आसपास जमा प्लास्टिक को इकट्ठा करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही सभी मंत्रालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला लागू हो चुका है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट की लिस्ट जारी की जा सकती है। इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल पर बैन और जुर्माने का प्रावधान भी हो सकता है। बहरहाल मथुरा में भी पीएम मोदी ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर कड़ा प्रहार किया था। पीएम ने साफ कर दिया था कि हमें संकल्प लेना होगा कि हम इसके इस्तेमाल को कम से कम करेंगे, साथ ही रिसाइकल प्लास्टिक को सरकार कैसे इस्तेमाल करेगी ये भी बताया था। आप प्लास्टिक का जो कचरा इकट्ठा करेंगे उसको उठाने का प्रबंध प्रशासन करेगा और फिर उसको रिसाइकल किया जाएगा। जो कचरा रिसाइकल नहीं हो सकता उसको सीमेंट फैक्ट्रियों में या फिर रोड बनाने में काम लाया जाएगा। भाइयों और बहनों, अब से कुछ देर पहले मुझे कुछ ऐसी महिलाओं से मिलने का अवसर मिला है जो विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक को अलग अलग करती है। इस प्लास्टिक का अधिकांश भाग रिसाइकल कर दिया जाता है। इससे उन महिलाओं को आमदनी भी हो रही है। मैं समझता हूं इस तरह का काम गांव गांव में किए जाने की जरूरत है। वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कंचन की ये सोच ही हमारे पर्यावरण की रक्षा करेगी, हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाएगी। प्लास्टिक से होने वाली समस्या समय के साथ गंभीर होती जा रही है। हमें ये कोशिश करनी है कि इस वर्ष 2 अक्टूबर तक अपने घरों को, अपने दफ्तरों को, अपने कार्यक्षेत्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक हर रोज 20,000 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से 13 से 14,000 टन वेस्ट ही इकट्ठा हो पाता है, यानी कि हर रोज करीब 6,000 टन प्लास्टिक रिसाइकल या डिस्पोज नहीं हो पाता है। इतना प्लास्टिक पूरे विश्व के पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि प्लास्टिक की वजह से समुद्री जीवन भी बुरी तरह से प्रभावित होता है, साथ ही साथ इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी गंभीर नुकसान पहुंचता है। प्लास्टिक की वजह से मानवता को सबसे बड़ा खतरा माना जाने लगा है, क्योंकि इसके द्वारा रिलीज किए गए हानिकारक केमिकल से कैंसर, बांझपन, जन्म में दिव्यांग हो जाना जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।